पनावड़ा टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकॉन बटन को पाए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो अपडेट को। शानदार स्वागत किया था और उस वो स्वागत आज भी मैं नहीं भूला हूँ। और मैं आपको इतना ही भरोसा दिलाता हूँ कि जो विश्वास आपने मेरे ऊपर व्यक्त किया है उस विश्वास को नहीं तोड़ूंगा, आपको धोखा नहीं दूंगा और छत्तीस कौम के लोगों को साथ लेके एक नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। तो जोरदार जयकारे आपको बोलने हैं। जय बोले वीर तेजा जी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की। 7 जनवरी को बाड़मेर से दूसरी हुंकार भरेंगे। पहली हुंकार 7 दिसंबर 2016 को नागौर के कॉलेज ग्राउंड से भरी थी और मैं धन्यवाद देता हूं बाड़मेर के जवानों और किसानों को कि यहां से 350-400 किलोमीटर चल के और 500 किलोमीटर चल के आप हजारों की तादाद के अंदर नागौर की रैली के अंदर आए थे, उस रैली को सफल बनाया। और हमारी हुंकार थी कि राजस्थान के किसान को अगर मजबूत करना है तो राजस्थान के किसान के लिए सरकार को कुछ करना होगा। और हमारी पहली मांग थी जब दिल्ली के धन्ना सेठों का 3 लाख करोड़ का कर्जा कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें माफ कर सकती है तो राजस्थान के किसान का 82,000 करोड़ का पूरा कर्जा सरकार माफ करे, इस बात की बड़ी थी। और दूसरी हुंकार की आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि हमने जिन मुद्दों को लेकर शुरुआत करी थी, जो हमारा मांग पत्र था, अभी उसके अंदर से बहुत कम मांगों पर सरकार ने विचार किया है। दूसरी हमारी मांग थी कि फ्री बिजली किसान को मिले 90 पैसे यूनिट, जो सरकार ले रही है वो 90 पैसा भी किस बात का, जब बिजली उत्पादन के अंदर हम 1 नंबर पा रहे हैं विंड एनर्जी सोलर एनर्जी। और दूसरी जो हमारे बिजली के उत्पादन के संयंत्र है वो तेजी से राजस्थान बिजली उत्पादन में आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि हमारी घर के अंदर जब इतनी बिजली पैदा हो रही है तो किसानों से बिजली के पैसे क्यों ले रहे हो, पंजाब कर्नाटक तमिलनाडु तेलंगाना की तरह इस राजस्थान के किसान को फ्री बिजली मिले, इस बात की इंकार नहीं करें। और तीसरी बात थी कि जवान तकलीफ के अंदर है, सरकारी स्कूल के अंदर अध्यापक नहीं है, अस्पताल खोल दिए डॉक्टर नहीं है। आज आपने अखबार के अंदर पढ़ा होगा सरकार डॉक्टर हड़ताल पे चले जाते हैं, सरकार डॉक्टरों को मनाती है, फिर हड़ताल होती है, फिर मनाती है। और ये पिस्ता कौन, आम आदमी 24 आदमी अकेले अजमेर के अंदर मर गए, सैकड़ों आदमी राजस्थान के अंदर मर गए, आखिर कौन जवाबदार होगा इसका, सरकार होगी या दूसरे लोग होंगे? तो सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए, या तो बात करनी नहीं चाहिए और अगर बात करे तो आर पार की बात करनी चाहिए। ये रोजाना का आम आदमी गरीब आदमी के जिसके परिवार से आदमी चला गया उसको क्या फायदा, आप बताओ मुझे, उसकी जिम्मेदार कौन है उस बात का? तो लाइबिलिटी भी तय होनी चाहिए कि मौत का जिम्मेदार स्टेडियम बन जाते। लेकिन ये कौन चिंता कर रहा है मेरे भाइयों, ये आपके नेता तो एक दूसरे की टांग खिंचाई के अंदर। अब मेरे को तो लगता है भाई देखो कि अपना 70 साल का इतिहास उठा के देख लो, अपने नेता आपस में लड़ते रहे, न तो खुद कभी उस कुर्सी पे पहुंचे और न दूसरे को पहुंचे रहे, टांग खिंचाई में रह गए रहे कि नहीं रहे, इसलिए आप खाली हो गए बिल्कुल। और तो और कोई दूसरी पीढ़ी को भी तैयार नहीं किया, और किया तो भी कैसी पीढ़ी को तैयार किया आप जानते हो, घर के बेटे, घर के पोते, बेटे की बहू, पत्नी, भांजी, आनजी, उसके अलावा कोई दूसरा बुलाएगा किसी ने? तो सुनो, सारा ही चल रहा वंशवाद इस पूरे राजस्थान और देश के अंदर चल रहा। अब मैं ये नहीं कहता, अगर वंश के अंदर अच्छे लोग हो वो आगे आने चाहिए, लेकिन बेरे गुंगे भी इस वंशवाद के अंदर आगे आ रहे हैं। और गुंगे बेरे तो आपको पता है अभी टॉप क्लास चल रहे हैं राजस्थान के।